नमक एक चुटकी और एक चुटकी ब्लैक पेपर डाल के इसके मैंने फेंट लिया। इस कढ़ाई में मैंने एक स्पून तेल डाला है। हाई फ्लेम पे अंडे को डालती हूँ, अंडा फ्राई करती हूँ। ये देखिए मेरा अंडा हो चुका है। ये देखिए हक्का नूडल्स की तैयारी शुरू की हूँ मैं। ये एक स्पून तेल डाली, एक स्पून तेल और ये प्याज, प्याज थोड़ा होते ही थोड़ा सा प्याज होते ही देखिए मेरी प्याज हो चुकी है। ये गाजर डाल रही हूँ मैं, देखिए गाजर, और ये है कैप्सिकम, कैप्सिकम डाल रही हूँ। ये देखिए कैप्सिकम थोड़ा सा सौटे करें, थोड़ा सा सौटे होने के बाद ये मैं कैबेज, ये कैबेज डाल रही हूँ, थोड़ी सी कैबेज और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कैबेज डालने के बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, थोड़ा सा ऐसा कर लें। थोड़ा सा क्रंची क्रंची रहना चाहिए, तरकारी पूरा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए मेरी वेजिटेबल्स हो चुके हैं। अब ये हक्का नूडल्स डाल रही हूँ, ये मेरे नूडल्स, पूरे नूडल्स डाल रही हूँ, मिक्स करें। ये देखिए ये थोड़ा सा चिली सॉस और ये थोड़ा सा सोया सॉस, ये थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा नमक नूडल्स के लिए। इसे फिर मिक्स करें, हाई फ्लेम पर रख के इसे मिक्स करें। ये मैं पाँच प्लेट में टेस्ट टेस्ट मिलाना चाहिए, पाँच प्लेट में मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ एक भी डाल दीजिए जो मैंने एक कल रखा था। देखिए ये एक भी इसमें मिक्स कर दीजिए, एक दो सेकंड में आप डिश आउट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे हक्का नूडल्स तैयार हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, दिखाती हूँ आपको, डिश दिखाती हूँ। मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। देखिए मेरे हक्का नूडल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये कितना अच्छे बन चुके हैं। आसान तरीके से आपके बच्चों को बना के खिलाइए, बिल्कुल आसान तरीके से बनते हैं। बहुत इजी रेसिपी देती हूँ मैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप भी जल्दी से जल्दी ट्राई करिए, देखिए कितना टेस्टी और कितना आसानी से बनता है। अपने बच्चों को बना के खिलाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।